बिसम अल्लाम वरम् वर्कोल्ला वबरक ना जो निद रहीम करीमजा है मेरे महतर पाकिस्तानी बयो आज आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मौजुअ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ तो काइंडली वीडियो कम्प्लीट में गौर से सुनिए जैसे कि टाइटल में भी आप लोगों ने देख लिया कि तलाक़ क्यों होता है तलाक़ की शरा दिन बदिन ज़्यादा होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर हाँ क्योंकि हम है ही पाकिस्तानी दो पाकिस्तान के हवाले से आप लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ तो तलाक की जो शरह है इसके अंदर कुछ वजूहत है उसमें हमारी अपनी मिस्टेक्स है हमारे पेरेंट्स की भी मिस्टेक है और कुछ मेल की भी मिस्टेक है कुछ फीमेल की भी मिस्टेक है ये नहीं कि एक तरफ हम एक बंदे को हम मलामत करेंगे ऐसा हरगिज़ नहीं है पेरेंट्स की ये मिस्टेक है कि वो बेटी से पूछते हैं कि बेटी वहाँ पर क्या कहा आपने क्या सलूक हो रही है वो बेटी वहाँ पर ए टू से डिटेल्स अपने पेरेंट्स को बता देती है पेरेंट्स को फिर जवाब क्या होगा कि बेटी नहीं आपने ये करना है इसके जवाब में आपने ये करना है तो जब वो बेटी करेगी तो उसमें उसके घर में बिगाड़ पैदा होगी तो उस बेटी से मेरी ये गुजारिश है कि आपने जिंदा आपके पैर ज़िंदगी गुजारी है अभी ज़िंदगी आपने गुजारनी है अपने शोहर के साथ तालीम आपकी हो या ना हो ठीक है तालीम एक अलग स्टेप है उसको साइड पर रख लिए प्लीज़ तालीम आपके अंदर शहूर आपके अंदर इंसानियत तालीम एक बंदे को इंसान बना देती है तो हर गज़ा आपने ये नहीं कहना कि मैं एजुकेटेड हूँ और ये अनपढ़ है और ये मुझे बातें बताते हैं और ये मुझे इससे मैं बेहतर जानती हूँ ये कभी भी आपने हर गज़ा ये नहीं कहना ना दिल में और ना उनको मुँह पर बताने ठीक है अगर वो अनपढ़ है तो उनकी एक्सपीरियंस उन्होंने ज़िंदगी ज्यादा गुजारी है उनका तजुर्बा आपसे ज़्यादा है आप उनके वालदेन आपके हस्बैंड के और आपके वालदेन उनको अपने वालदेन की नज़र से देखना है तब आप कामयाब औरत बनोगी आपका घर कामयाब होगा आपका शोहर आपकी रिस्पेक्ट करेगा ठीक है तो ये हर चीज़ नहीं अक्सर लोगों में ये चीज़ अपाया गया, गया कि लड़की यही बोले कि मैं एजुकेटेड हूँ ये मुझे ये चीज़ से बताती है ना तो वो आपको पता है फिर वो फीमेल जिस सूबे से भी उसका ताल्लुक हो तो उसको तलाक जब तलाक मिल जाती है तलाक इस्लाम के अंदर भी बहुत इसकी बहुत ममानत है यानी लोग भी उसको बुरी निगाह से देखते हैं फैमिली के अंदर भी माशरे के अंदर भी और ना ही दूसरा मर्द उससे शादी करते उस तलाक की याफ्ता औरत से ठीक है क्योंकि जो अच्छी औरत होती है वो हस्बैंड के साथ बुख भी बर्दाश्त करती है सख्तियाँ भी बर्दाश्त करती है क्योंकि हस्बैंड जो अच्छा हस्बैंड हो नेक हो वो औरत पर कभी भी जुल्म नहीं करता ठीक है अगर कोई मेंटल हो तो वो तो एक अलग चीज़ है वो तो फिर जो जहनी कमज़ोरी उसमें हो या कोई और इशू हो वो फिर एक अलग इशू है लेकिन जो सही मर्द हो तो कभी भी औरत पर हाथ नहीं उठाएगा फजूल कोई ऐसे बात मतलब तो और मर्दों से भी मेरी ये गुजारिश है कि औरत को समझाए कि आपके घर की बातें अपने घर में ना करें वहाँ की बातें इधर नहीं और यहाँ की बातें उधर नहीं करनी चाहिए ये छोटी छोटी बातों से फिर बातें बड़ी बड़ी बन जाती है और फिर बड़ी बात तलाक तक पहुँच जाती है जो चीज़ यहाँ खाना पीना जो भी हो लिबास उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि लाइफ में अप डाउन ये एक ज़िंदगी का मामूल है ये होता रहता है कभी दाल कभी सब्ज़ी कभी गोश्त कभी मछली कभी कारोबार अब कभी डाउन ये लाइफ एक सर्कल है इसके साथ एडजस्टमेंट औरत मर्द को चाहिए दोनों को कि इस पर शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह की तरफ से एक तकसीम है कोई अमीर कोई गरीब तो कभी भी औरत को ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए शोहर से जिससे शोहर की आमदनी कम हो और औरत शोहर को मजबूर करे कि मेरे लिए फिला फिलहाल चीज़ ले फिला औरत ने यह चीज़ की है आप भी मेरे लिए ले आओ तो ये हरगिज़ नहीं करनी चाहिए कि और मर्द जो है वो कहाँ से लाएगा उसकी इतनी इस्तात नहीं है उसकी आमदनी कम है कि घर के अखराज पूरी करें या और तो औरत को ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि मर्द को मजबूर करे कि वो कहाँ से कर्जा लेकर इसकी चीज़ों को पूरी करे या तो ये डिमांड नहीं करनी चाहिए और शोहर को भी एहतियात करना चाहिए कि औरत के साथ बदतमीज़ी बदजुबानी बदकरामी उसके पेरेंट्स का भी पे ख़्याल करें उसके खाने पीने का लिबास का इन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए बी गुना औरत को मारना पीटना ये इस्लाम के अंदर भी नहीं है गुनाह भी है क्योंकि अपनी हम अपनी हमशीरा को अगर देखें हमारे हमशीरा पर अगर जुल्म हो तो हमें कितनी तकलीफ होती है इसी तरह जो हमारी बीवियाँ हैं उनके साथ अगर कोई बदतमीज़ी करें तो इसी तरह हमें भी अपनी औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मार दहाड़ मार पीटना ये फजूल गाली गलोच इसके ऊपर मर्द बहुत बुरा लगता है पड़ोस के अंदर भी लोग सुनते हैं गालियाँ है कि देखो फ़लां औरत या फला मर्द लड़ाई करते हैं और लड़ाई पता है किसका काम है कुत्तों का काम है तो हम तो अलहद लि मुसलमान है अशरफ है तो हमें लड़ाई झगड़े से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए मेरे महतरम पाकिस्तानी भाई इसके ऊपर एहतियात करना चाहिए और ना किसी की बातों में आना चाहिए क्योंकि आपका घर है आप अपने घर को जन्नत बना सकते हैं अगर आपके अंदर शहूर है अगर शहूर नहीं तो फिर दो जख तो काफ़ी लोग दो जख्म बनाए घर को तलाक हो जाती है उनको तो और इससे तो कोई शादी करता भी नहीं और फिर मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं तो अपने मर्द की अपने मर्द की अगर आप मलका बनना चाहती हो तो प्यार मोहब्बत के साथ रहिए इखलाक के साथ ताकि लोग आपकी मिसाल ले कि औरत फलां मर्द उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह रह रहे इस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए इन्हीं अगर सख्ती भी आ जाए तो उसको आप निभाएँ सख्ती में आप मर्द का साथ दीजिए मुश्किल टाइम में उसका हौसला बढ़ाए ताकि वो मुश्किल से ना घबराए तो आप लोग की ज़िंदगी अच्छी गुजरे कि अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह अल्लाह भी आपसे राजी होगा और अपने हस्बैंड की पेरेंट्स की उनके भाई और उनके सिस्टर्स की भी उनका भी ख्याल कीजिए उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए आपका शोहर आपसे खुश हो आपसे राजी हो अल्लाह भी आपसे राजी होगा और आपका शोहर आपके पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेगा तो दोनों तरफ अगर प्यार मोहब्बत होगा तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी तलाक तक बात नहीं पहुँचेंगी तो मजीद इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए तो कम है तो छोटी सी कोशिश है हमारी कि हमारे बहन भाई तलाक़ से बच जाए और ये नौबत ना आए तो खुदा इस तलाक़ की बात को बिल्कुल दफ़न कीजिए और इस तक बात ना पहुँचे मजीद कमेंट्स में हमें बताइए कि वीडियो आप लोग कैसी लगी है और मजीद वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए दुआ हमें हमें याद कीजिए और अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ